नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करने जा रहे हैं। पहला भाग है, गुणनखंड कीजिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये क्लियरली हमें पता चलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जैसा ये कुछ बनेगा, तो हमें वही इसको बनाना है। कैसे? सबसे पहले यहाँ आएगा ए स्क्वायर, तो देखो x का स्क्वायर तो x ब्रैकेट के अंदर लिख दो। अब यहाँ स्क्वायर है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, अंदर क्या लिखू जिसका स्क्वायर 4 हो जाए? तो क्लियरली ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ भी एक स्क्वायर बनना है y का स्क्वायर, तो y अंदर आ जाएगा, अब स्क्वायर बाहर है। अब यहां क्या लिखू जिसका स्क्वायर 9 हो जाए? 3। इसके बाद फिर से z का स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर आएगा, z अंदर, तो ये z का स्क्वायर तो z स्क्वायर हो गया। यहां क्या लिखू जिसका स्क्वायर 16 होगा? 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो अब ये प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आराम से बन जाएगा, देखो कैसे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज ये भी देखनी है कि यहां पर ये तो प्लस थे क्योंकि इनका स्क्वायर होगा, लेकिन यहां कुछ रकमें माइनस की भी हैं। इसका मतलब इनमें से कोई एक रकम माइनस की होगी। अब कौन सी होगी, इसके लिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो यहां है एक्स वाई, यहां है वाई जेड, यहां है एक्स जेड। यदि x वाली रकम माइनस की होती तो जहां x आया ये भी माइनस होता, लेकिन ये तो प्लस है, इसका मतलब x प्लस का है। यदि y वाली रकम माइनस की होती तो यहां भी तो y आया, तो ये रकम माइनस की होनी थी, है ना, लेकिन ये तो प्लस की है, इसका मतलब y वाली रकम भी प्लस है। अब यहां आ जाओ, यहां z आया, देखो यहां z आया तो ये माइनस है, यहां भी z आया तो ये माइनस है, इसका मतलब जहां z आ रहा है वो रकम माइनस बन रही है, इसका मतलब ये जो z वाली रकम है ये होगी माइनस की। बस इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब इसको बना दो, प्लस 2 इंटू ए, ए है 2x इंटू बी है 3y, साथ की साथ ही हल करके देखो 12xy बनता है, 2 दुनी 4 थी 12, x गुना वाई एक्स वाई, तो 12xy को मैंने ऐसे लिखा है। फिर प्लस 2bc, बी कितना है देखो यहां से 3y इंटू सी, सी कितना है माइनस 4z, इसको हल भी करके देखना है, 3 दुनी 6 चौके 24 yz माइनस 24yz, बिल्कुल ठीक है। आगे है प्लस 2ac, ए है या सी ए, सी ए, सी कितना है माइनस 4z इंटू ए, ए कितना है देखो पहली रकम 2x, ठीक है बच्चों। तो अब ये हमारी एक सरल समीकरण बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब ये जो रकम हमने लिखी इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ए किसके बराबर है 2x के प्लस बी किसके बराबर है 3y के प्लस सी किसके बराबर है माइनस 4z के, दो निशान इकट्ठे ना हो इसलिए यहां छोटी ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट यहां बंद होगी, इसके स्क्वायर के बराबर। इसको आप हल कर दो, 2x प्लस 3y प्लस इंटू माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये ब्रैकेट इसी ब्रैकेट से एक बार गुना हो जाएगी, माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो इस प्रकार से हमने एक रकम थी उसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप का बनाया, जो कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने a, b और c की वैल्यूज डालकर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बनाया, इसको सॉल्व किया और ये गुणनखंड हमारे पास आ गया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। जहां से भी आपको कंफ्यूजिंग लगे आप उस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।